हेलो दोस्तों, हेल्थ टिप्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं इन तीन तरीकों से चेहरे पर लगाएं फिटकरी, दमक उठेगी चेहरे की चमक। फिटकरी औषधि गुणों से भरपूर होता है, आप इसे चेहरे पर भी लगा सकते हैं। जानिए चेहरे पर फिटकरी कैसे लगाएं। फिटकरी का उपयोग अक्सर शेविंग के बाद किया जाता है। ये त्वचा के जलन रेडनेस को कम करने में मदद करता है। आइए जानते हैं फिटकरी को चेहरे पर कैसे लगाएं। फिटकरी को आप गुलाब जल में मिलाकर लगा सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले फिटकरी का पाउडर बना लें। अब एक चम्मच फिटकरी का पाउडर लें, इसमें गुलाब जल मिलाएं और पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। फिर चेहरे की हल्के हाथों से मसाज करें। 10-15 मिनट बाद चेहरे को ताजे पानी से धो लें। फिटकरी और गुलाब जल का पेस्ट लगाने के बाद चेहरे को साबुन या फेस वॉश से ना धोएं। सेकेंड स्टेप में आप फिटकरी में ग्लिसरीन मिलाकर भी लगा सकते हैं। फिटकरी और ग्लिसरीन टोनर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक पैन में गर्म पानी करें, इसमें फिटकरी का पाउडर और तुलसी की कुछ पत्तियां डाल दें। जब पानी अच्छी तरह से उबल जाए तो अब इस पानी को ठंडा होने दें और फिर एक स्प्रे बोतल में भरकर रख लें। इसमें ग्लिसरीन की कुछ बूंदें डाल लें और एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करता है, इससे दाग धब्बे भी दूर होते हैं। फिटकरी चेहरे के मुहासे और पिंपल को रिमूव करने में मदद करता है। फिटकरी चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे भी कम होते हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।